श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सुकर्म का फल सुखदायी होता है। मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जो हमेशा मृत्यु को याद रखेंगे और परमात्मा की सर्वव्यापकता का विश्वास करेंगे, उनसे कभी अधर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। कर्म ही तो फल देता है। जैसा लोग कर्म करते हैं उसी का फल उन्हें मिलता है। कोई सुख की हालत में, कोई दुख की हालत में है। क्यों? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अगर आज कोई सुख में है तो यह उसके पूर्व जीवन के पुण्य कर्मों का फल है, और अगर कोई दुख में है तो यह भी उसके पूर्व जीवन के अधर्मों का प्रतिफल है। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हो ही सोई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब वही होता है जो राम रचते हैं, तो राम जो रचते हैं वही तो हम करते हैं, इसमें हमारा क्या दोष? जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका क्या अपराध? प्रभु कर्म के फल का निर्णय करते हैं और फल भोगवाते हैं, कर्म करने से रोकते नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, परमात्मा ने संसार को कर्म प्रधान बनाया है, अर्थात संसार में जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। जो जिस तरह का कर्म करते हैं परमात्मा उसको वैसा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं करते कि पुण्यात्मा को नरक भेज दें और पापी को स्वर्ग। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कबीर साहब भी कहते हैं कि कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। वैसा कर्म करो कि सुख की प्राप्ति हो। सुकीरत करीले नाम सुमीरिले, कैसा कर्म सुखदायी है? सुकर्म करो, सुकर्म का फल सुखदायी होता है, और नाम का सुमिरन करो। सुकर्म और सुमिरन सुख देने वाले हैं। सुमिरन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शर्त है कि सुमिरन ध्यान नियम से किया जाए। नियम पूर्वक भजन भेद लेकर, दीक्षा लेकर, त्रयकाल संध्या करे, तत्काल कुछ देखने सुनने में आए या न आए, लेकिन नियम न छोड़ें, करते रहें। शुरू शुरू में तो झूठ मूठ का खेल प्रतीत होता है। लोग आमतौर पर कह देते हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान पहले नहीं होता है। ध्यान तो योग का 7वां अंग है। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और तब ध्यान। ध्यान के बाद समाधि होती है। योग का 8वां अंग है समाधि। पहले पहल ध्यान नहीं होता। पहले तो हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास। यह अभ्यास करना कैसा है? झूठ मूठ का खेल है। इसके लिए संतों ने कहा है कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। पहले झूठ मूठ का खेल होता है, ध्यान नहीं, लेकिन बैठे रहे नियम के साथ तो होते होते एक दिन ध्यान होने लगेगा। सचमुच खेले बिरला कोई, अर्थात ठीक ठीक ध्यान करने वाला बिरला कोई होता है। कहा गया है, ध्यानं शून्यगतं मनः, जिनसे ध्यान होने लगता है उनका मन शून्यगत हो जाता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अपना काम छोड़ो नहीं, चाहे बने या ना बने करते रहो। कोई नौकर अपने मालिक का काम करे और भोजन ना मांगे, वेतन ना मांगे, तो क्या मालिक भोजन और वेतन नहीं देंगे? अगर नौकर ईमानदार है, ठीक से काम करता है, तो न मांगने पर भी मालिक उससे स्वयं कहेंगे कि पहले खा लो फिर काम करो।
तुमने बहुत समय से वेतन नहीं मांगा, अपना हिसाब करके वेतन ले लो। जो इस दुनिया में सच्चा मालिक बन बैठा है वह ईमानदार नौकर को जब बिना मांगे भोजन और वेतन देता है, तब क्या ईश्वर तुम्हारे काम का पारिश्रमिक बकाया रखेंगे? लेकिन श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हम करते चलें, चाहे कुछ मिले या ना मिले। यह श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण ही आपकी ईमानदारी का परिचायक है। हम त्रयकाल संध्या न छोड़ें, नियम के साथ करते चलें। केवल ध्यान भजन ही न करें, बल्कि गुरु महाराज का जो उपदेश है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, उसके अनुसार सत्संग ध्यान भी करें। जिनको सत्संग में नित बैठने की आदत लग जाती है, यदि किसी कारणवश उनसे एक दिन की भी चूक हो जाती है तो उन्हें लगता है जैसे कोई अपराध हो गया है। ऐसी स्थिति नियमित रूप से ध्यान भजन करने वालों की होती है। वे जब तक ध्यान के लिए बैठेंगे नहीं, उन्हें चैन न मालूम पड़ेगा, शांति न मिलेगी। जो नियमबद्ध होकर ध्यान भजन के लिए बैठते हैं, उन्हीं का मन उसमें रमता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग भी नियम पूर्वक करो और ध्यान भजन के लिए भी नियम पूर्वक बैठो। इसके लिए समय भी निश्चित कर लो तो अति उत्तम। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ बैठो, उस समय कोई हलचल नहीं होती, वातावरण शांत रहता है, जो ध्यान भजन के लिए सर्वोत्तम समय है। लेकिन उस समय वे लोग ही उठ सकेंगे जिनका खान पान ठीक रहेगा। जो देर रात में भोजन करेंगे, ढेर सारा भोजन करेंगे, वे ब्राह्म मुहूर्त में हरगिज नहीं उठ सकते। संत कहते हैं, अगर ध्यान भजन करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खान पान को संभालो। रात्रि का भोजन यथासंभव शीघ्र कर लो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो थोड़ी भूख रखकर ही करो। ऐसा तो नहीं कि बाद में भोजन नहीं मिलेगा, भोजन तो जीवन भर करना है। परमात्मा सबको आहार देते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, पौ फाटे पगड़ा भया जागे जीवा जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाओ। जो ध्यान भजन का विशेष लाभ उठाना चाहते हैं और रात्रि में जागकर ध्यान भजन करना चाहते हैं, उनके लिए संत चरण दास जी महाराज ने कहा है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। वे कहते हैं कि दिन में तो काम धंधों को करते हुए हरि का सुमिरन करते रहो और रात्रि में जाग कर ध्यान करो। यह कैसे होगा? तो भूख राखी भोजन करो, थोड़ी भूख रही जाए तभी भोजन करना बंद कर दो, तब रात में जागरण और ध्यान हो सकेगा। लेकिन मन में सवाल खड़ा होता है कि दिन में काम धंधा करेंगे और रात में कम ही खाएंगे, सोएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो चरण दास जी छूट देते हैं, 4 पहर नहीं जाग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु सु लाओ हेत। जागे न पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोवत रहे ताको लागे पाप। जब हमने भजन भेद की दीक्षा ली थी तो यह प्रतिज्ञा भी की थी कि त्याज्य कर्मों को छोड़कर सुकर्म करेंगे। त्याग करने योग्य काम है पाप कर्म और सुकर्म है सत्संग, गुरु सेवा और ध्यान। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने की, संत मत की उन्नति के लिए तन मन धन से हमेशा सहायक बने रहने की हमने प्रतिज्ञा की थी। अगर हम तीनों समय नियमानुसार ध्यान भजन नहीं करते तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज्ञा के उल्लंघन से पाप लगेगा, हमें इस पाप से बचना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में हमें अवश्य जागना चाहिए, नहीं तो जागने का जो परम लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ब्राह्म मुहूर्त को ब्रह्म वेला और अमृत वेला कहा गया है। इस अमृत वेला में जो जागते हैं उनके लिए कहा गया है, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो ब्राह्म मुहूर्त में जाग कर ध्यान भजन करते हैं
वे विशिष्ट फल का संचय करते जाते हैं, और जो आलस्य में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, वे उस धन को खो देते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में जागने का अतिरिक्त लाभ सुबह की शुद्ध वायु है, जो आरोग्य देने वाली है, स्वास्थ्य वर्धक है। कहा भी गया है, वैद्य की 100 दवा, भोर की 1 हवा। इस तरह ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करें, फिर नित्य क्रिया से निबट कर स्नान करें और फिर ध्यान करें। स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा होता है और ध्यान में एकाग्रता होती है। संध्या काल में अवकाश हुआ तो ध्यान भजन करना चाहिए। हमारी माताओं को भोजन बनाना पड़ता है, संभव है सायंकाल में उन्हें अवकाश न मिले, अतः उन्हें दिन में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। वे स्नान करके पहले ध्यान कर लें, फिर भोजन बनावें। ध्यान से मन शांत हो जाएगा, तब बनाया हुआ भोजन पवित्र होगा और सुस्वादु भी। आचरण में पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज अटती है, अर्थात पवित्र हृदय में ही सत्य परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। अपने शरीर और हृदय को पवित्र बनाओ। यह शरीर ठाकुर बारी के समान है, जहाँ लक्ष्मी विष्णु का निवास है। शरीर ही शिवालय है, जिसमें शिव शक्ति निवास करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, विन्दु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। इसी शरीर से साधन भजन करने वालों को सिद्धि मिलती है। विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विश्वाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विन्दुनाद महालिंग है, यह विष्णु लक्ष्मी का घर है। यह शरीर ठाकुर बारी है, जो विन्दुनाद की उपासना करते हैं उन्हें सिद्धि मिलती है। अतः इस शरीर को शिवालय और ठाकुर बारी की तरह पवित्र बनाकर रखें, तभी इसमें पवित्र वस्तु की स्थापना हो सकेगी। खान पान रहन सहन को पवित्र बनाकर रखने की परम आवश्यकता है। आहार विहार को संयमित करके साधन भजन करने की जरूरत है। जितना जिनके पास है उसी में संतुष्ट रहें। संसार में सबके पास समान सुविधाएं हो संभव नहीं। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही धन संपदा सुख सुविधा प्राप्त होती है। एक पिता के 4 पुत्र, पिता चारों को बराबर बराबर हिस्सा देते हैं, लेकिन चारों समान नहीं रह पाते। कोई धनवान बन जाता है, कोई निर्धन भी बन जाता है, कोई सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है, तो कोई रोग व्याधि से जूझता रहता है। क्यों? क्योंकि हम सभी अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। हमारी जैसी पात्रता है उसी के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। अगर आप सुख में हैं, बहुत धनवान हैं, तो अभिमान न करो। धन को परमात्मा की माया समझें और इसको शुभ कार्यों में लगाएं। यह अवसर भी परमात्मा ही देते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर माया राम की मोदी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार। बहुत अधिक धन होने पर भी सब लोग शुभ कार्यों में उसे नहीं लगा पाते, लेकिन जिनके पास अत्यल्प है वे भी शुभ कर्मों में कुछ न कुछ व्यय कर देते हैं। इसका लाभ किसे मिलेगा? उन्हें ही मिलेगा, और कई गुना अधिक होकर मिलेगा। जो खेत में बीज डालते हैं उसकी उपज उन्हीं के घर कई गुना अधिक होकर जाती है। बीज डालते वक्त कोई सोचे कि एक मन गेहूं या धान हम खेतों में डाल देंगे तो खाएंगे क्या, तो क्या मिलेगा उसे? कहते हैं संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जैसा बीज डालोगे वह बहुत अधिक होकर तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। अच्छा बीज डालोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म का बीज डालोगे तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। बुरे कर्मों का फल बहुत दुखदायी होकर तुम्हारे सामने आएगा। अतः पाप मत करो, अधर्म मत करो, पुण्य के कर्म करो। जितनी धन संपत्ति या भोग्य सामग्री है उसे शुभ कर्मों में खर्च करो। शुभ कर्म क्या है?
वह कर्म जिससे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचे। सत्संग भवन का निर्माण होता है, उसमें बहुत अधिक धन का व्यय होता है, यह पुण्य कार्य है, क्योंकि यहाँ संतों के ज्ञान की चर्चा होती है जिससे बहुत से लोगों को लाभ होता है, समाज का कल्याण होता है। संत जन कहते हैं कि अगर यह लोक और परलोक दोनों में सुखी होना चाहते हो तो संसार में रहते हुए सत्कर्म करो और अपनी रहनी को संभाले रखो। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 29/3/2014 ईस्वी को मधेपुरा जिला अंतर्गत ग्राम शेखपुरा में बिहारीगंज प्रखंड के अधिवेशन के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।